सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के राम कृष्णा ने पार्टी सपों पर जोर दिया है कि वो 30 दिनों के इंतखाबी दौरों और मीटिंगों को कामयाब बनाए। सीपीआई आंध्र प्रदेश की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के जनरल मीटिंग जूम ऐप के जरिए मुनाकिद हुई। मीटिंग की सदारत साबिक एमएलसी और सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी जली विल्सन ने विजयवाड़ा चंद्रम बिल्डिंग से की और पार्टी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेम्बरान एकनेनी विनाजा, रियासती सेक्रेटरी मेम्बरान जी ईश्वरिया और विजयवाड़ा नगर और सेक्रेटरी जे कोटेश्वर राव एएसएफ की रियासती जनरल सेक्रेटरी शिवारेटी एनचाप स्टेट कन्वीनर सैयद अफसर डीएचपीएस स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बट्टा रायपा और दीकर मौजूद रहे। मुख्तलिफ अजला से पार्टी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन जिला और सिटी सेक्रेटरी मौजूद थे। रामकृष्णा ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत हर कदम पर गैर जमहूरी पॉलिसियां अपनाती है, इन पर गैर आइनी काम करने का इल्जाम था। बीजेपी की पॉलिसी की मुखालिफत के लिए कौमी जमात की कॉल के एक हिस्से के तौर पर रियासत भर में 14 अप्रैल से 1 मई तक इंतखाबी जलसों और मीटिंगों को कामयाब बनाया जाए और पार्टी लाइन और इससे वाबस्ता तंजीमें इनमें शिरकत करें। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पोस्टर्स और पंपलेट्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि रियासत में भी जगन की हुकूमत के दौरान दलित और अकलीती बरादरियों पर हमले बढ़ रहे। सीपीआई आंध्र प्रदेश राष्ट्र समिति की जानिब से विजयवाड़ा में इस माह की 4 तारीख को उन हमलों की मजम्मत के लिए एक गोलमेज मीटिंग मुनाकिद की जा रही। उन्होंने कहा है कि इसके लिए तमाम अपोजिशन जमातों और अवामी अंजुमनों को मदऊ किया जाता है और इस गोलमेज की कामयाबी के लिए इकदाम करने को कहा जाता है।